Hey guys, welcome you all to my English learning platform. This is Dheeraj Arora before you from Club of English. So guys, we were doing the basics and last we did the first part of who. So today I'm going to talk about the second part of who guys. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों parts mention किए हैं. सबसे पहले guys start करते हैं who के first part से जो कि basics है और who basically हम person के लिए use करते हैं. और इस पार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आप पहली वीडियो को भी देख सकते हैं. इससे पहली जो लास्ट वीडियो मैंने हु के लिए बनाई है फर्स्ट पार्ट के लिए. हु के फर्स्ट पार्ट में आप लोग सामने वाले से कंफर्म करते थे कि आप ये काम किसके साथ करते हो. जैसे आपने मुझसे पूछा हु डू यू कम विद, आप किसके साथ आते हो. हु डू यू प्ले विद, आप किसके साथ खेलते हो. हु डू यू सिट विद, आप किसके साथ बैठते हो. ऐसे आपने पास के लिए पूछा था सर आप किसके साथ आए थे. हु डिड यू कम विद, आप किसके साथ आए थे. हु डिड यू कम विद, कहने मतलब आप सामने वाले से पूछते हैं कि आप किसके साथ आए थे. हु डिड यू कम विद. बट गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले से, आई एम रिपीटिंग इट, आपने सामने वाले से पूछा कि आप किसके साथ आए थे. हु डिड यू कम विद. बट कभी कभी हम सामने वाले से ये पूछते हैं कि आपके साथ कौन आया था. सो उस केस में गाइस अगर आप लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं समझते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अक्सर बोलते हैं कौन आया था. हु केम, कौन आएगा. हु विल कम एंड कौन आता है. हु कम्स, सिंपल. अगर आप बोलते हैं इतना तो आपको ये पार्ट समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली. जैसे हम सामने वाले से अक्सर पूछते हैं कि कौन आया था. हु केम, राइट. और आपने पूछना है कि आपके साथ कौन आया था तो हु केम विद यू, राइट गाइस, ठीक है. और कौन आएगा. हु विल कम, आपके साथ कौन आएगा. हु विल कम विद यू. सो कहने का मतलब ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है कि आपके साथ कौन आएगा, आपके साथ कौन आया था, आपके साथ कौन आता है और उसके साथ कौन आता है. कहने का मतलब आप और आपके गाइज. मैं आपको एग्जांपल देता हूं पास से. सो जैसे आपने सपोज मुझसे पूछा कि सर आप किसके साथ आए थे तो हु डिड यू कम विद, आप किसके साथ आए थे तो हु डिड यू कम विद. और आपके साथ कौन आया था. हु केम विद यू. दैट्स रियली सिंपल. यहां पे आप पूछते थे कि आप किसके साथ आओगे. हु विल यू कम विद. और सामने वाला, और यहां पे आप पूछोगे कि आपके साथ कौन आएगा. हु विल कम विद यू. सो दिस इज द डिफरेंस गाइस. एंड एज इट इज गाइस अगर मैं इस पार्ट को या इस पार्ट को कंपेयर करूं, दिस गोज लाइक आपके, दिस गोज लाइक आप. सो कहने का मतलब आप और आपके, हम दोनों तरह के सेंटेंसेस सामने वाले से पूछते हैं कि आप ये काम किसके साथ करते हो और आपके साथ ये काम कौन करता है, राइट. आप किसके साथ खेलते हो. हु डू यू प्ले विद. और आपके साथ कौन खेलता है. हु प्लेज विद यू, राइट. ऐसे ही अगर आप पास का पूछते हैं कि हु डिड यू कम विद, आप किसके साथ आए थे. हु डिड यू कम विद. और आपके साथ कौन आया था. हु केम विद यू. और अगर आप सामने वाले से पूछते हैं कि आप किसके साथ आओगे. हु विल यू कम विद. और आपके साथ कौन आएगा. हु विल कम विद यू. दैट्स ऑल गाइस. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट. एक काम करते हैं गाइस, एक एक रिप्लाईज की भी बात कर लेते हैं. तो जैसे आप यहां पे पूछते थे, फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं गाइस. तो जैसे आप सामने वाले से पूछते थे कि आप किसके साथ आओगे. हु विल यू कम विद. मैंने कहा आई विल कम विद राहुल, मैं राहुल के साथ आऊंगा. और यहां पे आप पूछते थे कि आपके साथ कौन आएगा. हु विल कम विद यू. तो इस केस में मैं बोल दूंगा राहुल विल कम विद मी, राइट गाइस. ऐसे ही पास का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां से भी और यहां से भी. जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप किसके साथ आए थे. हु डिड यू कम विद. या सपोज हु डिड यू वॉच मूवी विद, आपने मूवी किसके साथ देखी थी. सो मैंने कहा आई वॉच्ड मूवी विद राहुल, मैंने राहुल के साथ मूवी देखी थी. और यहां पे आप पूछते हो कि आपके साथ मूवी किसने देखी थी. हु वॉच्ड मूवी विद यू, राइट गाइस. हु वॉच्ड मूवी विद यू. सो मैं आपको बता दूंगा राहुल वॉच्ड मूवी विद मी, राइट गाइस. सो कहने का मतलब कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं गाइस. और अगर प्रेजेंट में पूछना है तो प्रेजेंट में भी आप पूछ सकते हैं. आप मुझसे पूछ, सो प्रेजेंट में आप यहां से पूछेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप किसके साथ आते हो. हु डू यू कम विद. तो मैं कह दूंगा आई कम विद राहुल, मैं राहुल के साथ आता हूं. और यहां से पूछोगे हु कम्स विद यू, आपके साथ कौन आता है. तो मैं बता दूंगा राहुल कम्स विद मी, राहुल आता है मेरे साथ. सी गाइस, सो कहने का मतलब कोई भी एक्शन आप यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप इन दोनों ग्रामर्स को यूज कर सकते हैं. और गाइज मैं आपको बता देता हूं ऐसा इंग्लिश में 3-4 प्लेसेस पे होता है कि आप ये काम किसके साथ करते हो और आपके साथ ये काम
कौन करता है, राइट गाइस? ऐसे ही जैसे हम सामने वाले से पूछते हैं कि ऐसे बहुत सारी ग्रामर है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको आने में कितना टाइम लगेगा और आप आने में कितना टाइम लोगे. सो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स इंग्लिश में आते हैं. सो विल टॉक अबाउट बोथ, राइट गाइस? सो दिस इज गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द हु फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट गाइस. दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक.